दोस्तों, कोई भी लिंक का कलर आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिंक को ऐड कर दिया है और यहाँ पे इवेंट में चलते हैं ऑन क्रिएट में, और यहाँ पे मैंने मोर ब्लॉक बना के रखा है पहले से ही। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये रहा और ये है इसका मोर ब्लॉक। ओके, तो यहाँ पे मैंने कलर को सेट करके यहाँ पे रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। काफ़ी आसान तरीके से आपको बस कलर का कोड यहाँ पे, कलर पसंद है वो कलर का कोड आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, और जो भी लिंक है, जो भी टेक्स्ट व्यू है, उसको आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट व्यू को सेट कर दिया है, तो इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट को मैं स्केच शेयर ग्रीन में अपलोड कर दूँगा दोस्तों, आप अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसे। तो चलो इसको मैं सेटिंग ओके इंस्टॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा जल्दी हो जाए भाई। हाँ दोस्तों, हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको बहुत सारे कलर का लिंक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसका प्रकार का आप क्लिक करते हैं तो ये काम भी करता है, ठीक है। ये एक लिंक है सभी का, ये सभी एक लिंक है, ये देखिए। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, आपको ये वाला प्रोजेक्ट स्केच शेयर जो ग्रीन है, स्केच शेयर ग्रीन वाला, ये देखिए ये वाला ग्रीन, तो इसके अंदर मैंने इसको पब्लिश कर दिया है। यहाँ पे देखिए ये वाला स्केच कलर्स लिंक, तो ये प्रोजेक्ट को आप दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं।